पंचवटी, भेड़ाघाट और बंदर कुदनी में शूटिंग की लोकेशन देखने और प्रथम चरण की शूटिंग के लिए आई मुंबई की टीम का शुक्रवार को पिकअप हो गया। फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी के नेतृत्व में आई इस टीम ने भेड़ाघाट क्षेत्र के सभी शूटिंग लोकेशनों का मुआयना किया और उनको फिल्माया भी। इस बीच शूटिंग के दौरान कुछ हिंदूवादी संगठनों की ओर से विरोध भी किया गया। जिला प्रशासन से अनुमति के बाद फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी द्वारा भेड़ाघाट क्षेत्र के विभिन्न लोकेशनों पर शूटिंग की गई। यहां उन्होंने फिल्म रिटर्न टिकट के कुछ दृश्यों का फिल्मांकन भी किया। शूटिंग के दूसरे दिन दोपहर 12 बजे के बाद आसपास मुंबई से आए दल का काम पूरा हो गया। इस दौरान धुआंधार, बंदर कुदनी और संगमरमरी पहाड़ों की विभिन्न एंगल से शूटिंग की गई। इस शूटिंग में शाहरुख खान ने डाबी डबल को जबलपुर लाया गया। इस पूरे आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। शुक्रवार की दोपहर बंदर कुदनी सहित पंचवटी में नर्मदा के दोनों तटों पर स्थित संगमरमर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को फिल्माया गया। फिल्म प्रोडक्शन यूनिट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फिल्म के एक गाने के कुछ हिस्सों की शूटिंग जबलपुर में की जाएगी। इसमें शाहरुख खान के बॉडी डबल का उपयोग किया जा रहा है। भेड़ाघाट के व्यापारियों में इस शूटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखा। उनका कहना रहा कि इस तरह के आयोजन क्षेत्र में रोजी रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। ऐसे में बाहर से आने वाली टीमों के सदस्य तो व्यापार को बढ़ावा देते ही हैं, साथ ही जब आसपास के लोगों को शूटिंग का पता चलता है तो वो भी यहां पहुंचते हैं। इससे भी स्थानीय व्यापारियों को फायदा पहुंचता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शाहरुख खान के अभिनय वाली इस फिल्म निर्माण का विरोध किया गया। यह विरोध प्रदर्शन पंचवटी के पास स्थित नौघाट में किया गया। प्रदर्शनकारियों का यहां से आगे नहीं जाने दिया, लिहाजा प्रदर्शन तो हुआ लेकिन उसका कोई असर शूटिंग की सेहत पर नहीं पड़ा। बंदर कुदनी के पास शूटिंग बिना किसी व्यवधान के समाप्त हो गई। इधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि शाहरुख खान ने भगवा रंग का अपमान किया है। उन्होंने भगवा रंग के लिए अपशब्द भी बोले, लिहाजा बजरंग दल और विहिप ऐसे कलाकार एवं फिल्म निर्माता का विरोध करता है। जबलपुर में किसी कीमत पर उनकी शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। प्रदर्शन के दौरान सुमित ठाकुर, विशाल नामदेव, रोहित सिंह ठाकुर, राजेश पटेल, विजय यादव, रोहित चौकसे, रमेश तिवारी, अशोक ठाकुर, अजय चौरसिया सहित अनेक लोगों की मौजूदगी रही। पूरी हो जाएगी।